उड़ीसा में अच्छी सफलता दिखाई दे रही है, बिल्कुल बगल का स्टेट है, 21 में से 17 सीटों पर बीजेपी लीड करते हुए दिखाई दे रही है। हाँ, उड़ीसा में हम लोगों को अपेक्षा थी कि हम 17-18 सीट तक जीत सकते हैं, तो यहाँ पे जो दिखाई पड़ रहा है वो उसी अपेक्षित दिशा में और अपेक्षित संख्या में दिखाई पड़ रहा है। और महाराष्ट्र में बीजेपी 14 सीटों पर लीड कर रही है और जो एलाइज हैं वो 7-8 सीटों पर। नहीं, महाराष्ट्र में हमारा ये विचार था कि हमारी जितनी सीटें पिछली बार थी भारतीय जनता पार्टी की अपनी सीटें, उससे अधिक होंगी। एलाइज के बारे में अभी हम बहुत बेहतर कहने की स्थिति में नहीं हैं, परंतु इतनी कम सीटें महाराष्ट्र में, देखिए महाराष्ट्र एक, अगर आप जनरल पत्रकारों के बीच में भी चर्चा के बीच में देखें, राजनीतिक विश्लेषकों में, तो उनके मन में बहुत सारी आशंकाएं जिन दो राज्यों को लेकर थी वो बिहार और महाराष्ट्र थे। बिहार में हम अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, महाराष्ट्र में जो हमने सोचा था उससे हमारी संख्या कम दिखाई पड़ रही है इन प्रारंभिक रुझानों में। और महाराष्ट्र में जो विश्लेषण था उसमें विश्लेषण ये था कि भारतीय जनता पार्टी बेहतर स्थिति में है, हो सकता है कि हमारे एलाइज की कुछ संख्या कम हो, परंतु ये जो दिख रहा है यहाँ पर भी मेरा ये कहना है, जैसे बंगाल हमें आश्चर्यजनक लग रहा है, महाराष्ट्र जो दिख रहा है यह अपेक्षा के विपरीत दिखाई पड़ रहा है। इसलिए मैं चाहूँगा कि इसमें भी मैं 1-1.25 घंटे बाद हम बेहतर करेंगे। अब महाराष्ट्र में हमें ऐसी अपेक्षा नहीं थी कि इतनी कम सीटें आएंगी। कर्नाटक में बीजेपी और जेडीएस का अलायंस अच्छा कर रहा है। कर्नाटक में अपेक्षित था। देखिए कर्नाटक की एक बहुत स्पष्ट बात समझिए, पिछले विधानसभा चुनाव में हमें 38% वोट मिला था, हमारा वोट इंटैक्ट था। कांग्रेस का जो 4% वोट बढ़ा था वो सीधा जेडीएस से बढ़ा था, जेडीएस का वोट शिफ्ट हुआ था, या फिर उनको कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम कम्युनिटी का कुछ वोट मिला होगा उसमें, जो हार्ड लाइनर्स हैं, मैं सबकी बात नहीं कह रहा था। तो ये जो 4% का एग्जैक्ट लॉस हुआ था जेडीएस को, तो अगर आप ये माने कि जेडीएस का वोट उधर शिफ्ट हुआ था, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, हो सकता है वो कलिंगा समाज में ये लगा हो कि डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री बन सकते हैं वगैरह वगैरह, जो बाद में नहीं होता हुआ दिखाई पड़ा। और एक और भी कारण था कि विधानसभा में जेडीएस के वोटर को लगता था कि सरकार तो जेडीएस की बनेगी चाहे बीजेपी के साथ बने या कांग्रेस की, लोकसभा में वो नहीं देखता है, तो हमें अपेक्षित था कि वो वोट जो कांग्रेस की तरफ गया था विधानसभा में कर्नाटक में वो हमारी तरफ वापस आएगा, और कुछ कुछ वैसे ही संकेत प्रारंभिक रुझानों में दिखाई पड़ रहे। कम सीटों वाले दो राज्य हैं सुधांशु जी, एक राज्य है हरियाणा जहां पर लगभग बराबर की टक्कर है 5 और 4 की। पिछली बार तो सारी सीटें बीजेपी ने जीती थी, पिछली बार हम लोगों ने जीती थी, पर अगर आप देखें तो इस बार जो चुनाव पूर्व सर्वेक्षण थे और एग्जिट पोल थे, तो कोई हमको 5-5 दिखा रहा था, कोई हमको 7-3 दिखा रहा था। अभी तक जो हरियाणा में किसी ने हमको क्लीन स्वीप नहीं दिखाया था, तो हमारी अभी भी अपेक्षा है कि हम अच्छी संख्या में सीटें जीतेंगे, और 10 सीटें थी तो 10 के आसपास तक हमारी संख्या पहुंच जाएगी। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी अच्छा करती हुई दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ में आपको याद हो विधानसभा चुनावों में इस प्रकार का एक वातावरण बन गया था कि छत्तीसगढ़ तो कांग्रेस हेड्स डाउन जीत गई है, परंतु छत्तीसगढ़ में जो जिस प्रकार का कार्य पहले से था, मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार के कार्य हुए और ग्रास रूट लेवल पर जिस तरह के कार्य हुए थे, और आपने देखा कि हमारी सरकार आने के बाद वहाँ नक्सल गतिविधियों में एक बहुत तगड़ा नकेल लगा है, तो हमारी अपेक्षा थी कि छत्तीसगढ़ में ऐसा होगा, और हम 11 की 11 सीटें जीतने की अपेक्षा कर रहे थे। अभी देखते हैं कि अंत में परिणाम कहाँ पर आकर। उत्तराखंड में 5 में से 5 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। उत्तराखंड में बिल्कुल स्पष्ट है, उत्तराखंड में हमें यह अपेक्षा थी कि 5 की 5 सीटें जीतेंगे सभी प्रत्याशी। सरकार ने अच्छा काम किया, केंद्र सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में शानदार काम किया, और उत्तराखंड में एकदम 5 में 5 जीत रहे हैं। अगर आपके ट्रेंड में दिखा रहे हैं कि हम हिमाचल में भी 4 में 3 जीत रहे हैं, यदि ये महत्वपूर्ण बात देखिए, अगर हम पंजाब में भी थोड़ा बेहतर करते दिखाई पड़ रहे हैं, तो अभी मैं नहीं कह रहा कि अंतिम परिणाम है, ये वो राज्य हैं जहां से सेना में सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं, तो जिस प्रकार का वातावरण बनाया गया था सेना से जुड़ी कुछ योजनाओं को लेकर, तो मुझे लगता है उसके बारे में भी एक संकेत इन राज्यों को चुनाव देखते हैं जहां पर भारी संख्या में, सबसे भारी संख्या में लोग, जनसंख्या के अनुपात में देखें तो बहुत भारी संख्या में लोग सेना में और सैन्य बलों में जाते हैं। हिमाचल में अब जो ट्रेंड आ रहे हैं 4 में से 4 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन तेलंगाना एक ऐसा राज्य है जहां अपेक्षा थी बीजेपी को उतना नहीं अच्छा कर पा रही है। तेलंगाना में हमारी अपेक्षा थी कि हम पिछली बार 4 सीटें जीते थे, इस बार 7 से 8 सीटें जीतेंगे, तो अपेक्षित परिणाम अभी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं रुझानों में, तो मुझे लगता है कि हम जब अंतिम परिणाम आए तभी इसका विश्लेषण करें तो ज़्यादा बेहतर। असम में 9 सीटों पर आगे है, ये मुझे लगता है जो अपेक्षा है
उतना ही है? नहीं, हमारी अपेक्षा 10 सीटों के लगभग थी और देखते हैं कि अंतिम परिणाम मानो पर 10 से भी ज़्यादा सीटें, क्योंकि असम में आप जानते हैं कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर डेमोग्राफी में ऐसा चेंज हुआ है इन्फिल्ट्रेशन के चलते हुए, भले ही हमारे विपक्षी उस पर जो भी राजनीति करें, तो 2 लोकसभा क्षेत्र वहां पे, बल्कि एक और तीसरा लोकसभा क्षेत्र आपके पैनल पे सुधांशु मित्तल जी बैठे हुए हैं, वो इस विषय के ऊपर उन्होंने पिछले 20 साल पहले से ही काफ़ी अच्छा अध्ययन करके रखा हुआ है, तो वहाँ 2-2.5 लोकसभा तो ऐसी हैं जहाँ पर कि हमारे लिए बहुत कठिन था, तो उसमें अगर हम, हमारी अपेक्षा थी कि हम 10 से बेहतर प्राप्त करेंगे, तो अंतिम परिणाम तक हमें अपेक्षा करते हैं कि शायद हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप संख्या असम में दिखाई दे।